नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। चैनल का नाम है दीप का डेली ब्लॉग्स। हमेशा की तरह सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा आप सभी लोगों का जिन्होंने मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप सभी लोगों का धन्यवाद। आज जिस परफ्यूम का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो विलन की तरफ से है, वो है विलन का स्नेक। इससे पहले मैंने इस हाउस का दो परफ्यूम का रिव्यू किया है, एक है विलन का ओरिजिनल EDP जिसका मैंने डिटेल रिव्यू बनाया है, प्लीज चेक कीजिएगा मेरे रिव्यू को। और दूसरा जो परफ्यूम है वो है ऊद का मैंने रिव्यू बनाया है। ऊद एक बहुत अच्छा विंटर फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, उसका भी डिटेल रिव्यू चेक कीजिएगा मेरे चैनल पे। आज जिस परफ्यूम का मैं रिव्यू बनाने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने कहा, मैं स्नेक, उनका जो स्नेक है ये वाली परफ्यूम, इसका रिव्यू बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों ये जो है कॉम्बो पैक, ये मैंने रिसेंटली फ्लिपकार्ट से परचेज किया है। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है ये कितने की पड़ी है, बट इसका जो 100 ml है ये आपको करीब 500 रुपये के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये है इसका प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, ये विलेन एक स्नेक लिखा हुआ है इसमें, और एक स्नेक का लोगो भी बना हुआ है। EDP यानी उदय परफॉर्म कंसेंट्रेशन में ये है। 8 ml का ये उनका सैंपल है जो मैंने कॉम्बो परचेज किया है। इनका जो 100 ml का प्रेजेंटेशन रहेगा ये बिल्कुल ही अलग रहेगा, बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा। इसका स्प्रेयर देख लेते हैं, ये एटोमाइजर है, कैप में ऐसा कुछ खास नहीं है, प्लास्टिक का कैप है। 8 ml का परफ्यूम ठीक ठाक स्प्रे करता है दोस्तों, कंप्लेन नहीं कर सकते। होपफुली जो 100 ml की प्रेजेंटेशन होगी वो इससे बेटर स्प्रे करेगी, लेकिन ये 8 ml के हिसाब से अच्छा स्प्रे करती है। बात कर लेते हैं सेंट प्रोफाइल की। ये जो परफ्यूम है, सबसे पहले तो आपको इसमें एक सिट्रस वाली ब्लास्ट मिलेगी, एक लेमन वाली ब्लास्ट मिलेगी, उसके साथ साथ मुझे एक एक्वाटिक नोट भी इसमें से मिलता है। एक एक्वाटिक नोट, एक सिट्रस, एक फ्रेश ओपनिंग है। लेकिन ये जो सिट्रस वाली नोट है, ओपनिंग जो है, ये ज़्यादा देर नहीं रहती है। ये 5 से 7 मिनट, मैक्स टू मैक्स 8-9 मिनट ये रहेगी, उसके बाद ये अपने मिडिल नोट्स में चली जाएगी। इसका जो मिडिल नोट्स है इसमें मुझे स्वीटनेस आती है, ये वैनिला का स्वीटनेस है या किसका स्वीटनेस है मुझे पता नहीं है। और ये होता है ना डिटर्जेंट जैसा, नॉट एग्जैक्टली डिटर्जेंट, बट आप बहुत सारे कपड़े को अगर आप धो के काफ़ी काफ़ी देर तक आप स्टॉक करके रखोगे या अलमारी में रखोगे, तो उसके बाद उसमें से जैसे स्मेल आती है, एक डिटर्जेंट टाइप की, उस तरह की एक स्मेल आती है। एक फैब्रिक को वॉश करने के बाद जो स्मेल आती है, अगर आप अच्छे से वॉश करोगे तो डिटर्जेंट वाली जो स्मेल आती है उस तरह की, काफ़ी टाइम तक आप रख दोगे तो उस तरह की एक स्मेल आती है, साथ में एक स्वीटनेस आती है। लेकिन उसके बाद जो ड्राई डाउन है इसका, ड्राई डाउन है कंप्लीट, एक थोड़ा सा मस्कीनेस आता है, वही डिटर्जेंट सॉफ्टनर वाली जो स्मेल है वो रहती है, और इसमें से स्वीटनेस आती है, मे बी वैनिला का स्वीटनेस, तो एग्जैक्टली पता नहीं चलता है। क्योंकि फ्रेग्रेंस जो है पहले तो बहुत ज़्यादा एक ओपनिंग जो है बहुत ही स्ट्रांग ओपनिंग है, एक ब्लास्ट आपको मिलेगा सिट्रस वाली, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे बहुत जल्दी ये मेलो डाउन हो जाती है, ये काफ़ी क्लोज टू स्किन आ जाती है। तो इसमें जो एग्जैक्ट नोट्स है, मिडिल नोट्स और ड्राई डाउन में, वो पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो आप ये मान के चलिए ओपनिंग जो है एक लेमनी, एक सिट्रस वाली सिंथेटिक सी ओपनिंग रहेगी, उसके बाद जो है इसमें एक फ्रेश एक्वाटिक का जो है नोट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ मिडिल नोट जो है इसमें स्वीट वाली मिडिल नोट है, स्वीट एंड फ्रेश कॉम्बिनेशन वाली मिडिल नोट्स है, और ड्राई डाउन में थोड़ा सा वही एक फैब्रिक सॉफ्टनर जैसे एक डिटर्जेंट वाली, कपड़ों को आप बहुत देर तक वॉश करके रखोगे तो उस तरह का कुछ स्मेल करता है। प्रोजेक्शन और लॉन्गजीविटी की मैं बात करूँ तो प्रोजेक्शन इससे मुझे 50 मिनट से 1 आवर तक ही मिल पाता है, 1 घंटे तक मोस्टली ये प्रोजेक्ट करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाउड प्रोजेक्शन नहीं है, क्लोज टू स्किन है, 1 फीट से भी कम इसका प्रोजेक्शन है। और लॉन्गजीविटी जो है वो 4 घंटे का प्रोपे टिकता है, 4 घंटे अच्छा लगता है, बट जेनरिक स्मेल है ये, किसी भी परफ्यूम का मुझे नहीं लगता खुलोन वगैरह कुछ है, बट जेनरिक सा स्मेल है, थोड़ा सा फ्रेश स्वीट परफ्यूम जैसे होते हैं, थोड़ा सा उस तरह का एक परफ्यूम है। कौन कहाँ और कब इसे यूज़ कर सकता है, मेरी माने तो दोस्तों ये देखिए, ये परफ्यूम जो है ये कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर आप इवनिंग टाइम में कहीं जा रहे हो तो ये एक मॉडरेट वेदर के लिए सेंट है, ये एक मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा हाई हीट होगा तो ये इतना अच्छे से काम करेगा, लेकिन जो मॉडरेट वेदर है इसमें ये अच्छे से काम करेगा। अच्छे से मतलब वही 4 घंटे की आपको लॉन्गजीविटी मिलेगी और 1 घंटे से कम यानी 50 मिनट या 1 घंटे का आपको इसमें से प्रोजेक्शन मिलेगा। जेनरिक सा स्मेल करता है ये, फ्रेश एंड स्वीट
काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, लेकिन ये अच्छा लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत बुरा लगता है। इसे इवनिंग टाइम में यूज़ करें या डे टाइम में यूज़ करें, ऑफिस वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, यंग क्राउड की तरफ ये टारगेटेड है, ज़्यादा टारगेट उन्होंने किया है यंग क्राउड को, ज़्यादा उन्होंने टारगेट किया है मुझे ऐसा लगता है। और बारी है मार्किंग की, अगर मुझे इसको मार्क करना होगा 10 में से तो मैं इसमें इसे 6 नंबर दूंगा। 6 देखिए एक बहुत ख़राब मार्किंग नहीं है, मैं इसके बहुत ख़राब नहीं करता हूँ। एक तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ी जेनरिक है, मतलब ये फ्रेग्रेंस उनको पसंद आएगी जिन्हें माइल्ड फ्रेग्रेंस पसंद है, जिन्हें थोड़ा स्मूथ फ्रेग्रेंस पसंद है, ये इनऑफेंसिव फ्रेग्रेंस है, इसीलिए मैंने इसको 6 दिया है। 500 के अंडर आपको अगर कोई ऐसा फ्रेग्रेंस चाहिए जो, जिन लोगों को फ्रेग्रेंसेस ज़्यादा लाउड फ्रेग्रेंसेस पसंद नहीं है, वो ये ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा मतलब एज सच बहुत वंडरफुल कुछ नहीं है, एक एक मीडियोकर एवरेज फ्रेग्रेंस ये है, इसीलिए मैंने इसे 6 दिया। प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक ठाक सा फ्रेग्रेंस है। तो ये था मेरा रिव्यू फॉर विलेन स्नेक EDP। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।